मेरी गाड़ी में भी रिवॉल्वर रखी गई थी, पर किसी ने कुछ बोला था? बोला था किसी ने? पूरे महाराष्ट्र ने देखा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। बेमतलब का चले जा रहे हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं, तो कुछ उसके उनके पास एजेंडा नहीं है, सिर्फ चले जा रहे हैं। तो चलने से क्या होगा? इससे अच्छा तो वो कोई मुद्दा लेते, कोई बात लेते, पर मुद्दे हैं ही नहीं इन लोगों के पास। इन लोगों के पास आज की तारीख में सिर्फ एक ही मुद्दा है, कुर्सी और सत्ता, बस। और आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो मोदी जी पहले 2014 में पूरा भारत जोड़ चुके हैं, 354 सीटें ला के। तो अब क्या भारत जोड़ना है? ऑलरेडी टूटा हुआ भारत वो जोड़ के बैठे मोदी जी। 354 सीटें पहली बार भारत में इतिहास है कि 354 सीटें किसी एक व्यक्ति के नाम पे आई है। तो भारत तो पहले ही जोड़ चुके हैं, अब राहुल गांधी जी पता नहीं कौन सा भारत जोड़ने चले। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा, ना ही उस भारत जोड़ो यात्रा में ना ही कोई मुद्दे की बात है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है उसमें। जी की सरकार है, मैं उसका दिल से आभार मानती हूँ। मैंने भी एक आंदोलन अभी करा था, जिसका आप देख सकते हैं FB पे, मैंने एक निवेदन दिया था। शिक्षक लोगों का आंदोलन चल रहा है, मैं खुद आज वहाँ पे अनशन पे बैठने वाली थी, पर कल ही CM साहब ने 1160 करोड़ रुपए अनाउंसमेंट किए हैं, जिसके लिए मैं CM साहब एकनाथ शिंदे जी का दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए आज CM साहब जो है वो कॉमन मैन में से आए हैं। वो एक ऑटो चालक थे पहले, जैसा कि मैंने सुना है, देखा तो नहीं है मैंने, पर जैसा सुना है। तो आज वो कॉमन मैन में से आए हैं, तो इसलिए वो कॉमन लोगों के मुद्दे निकाल रहे हैं। ऐसे ही हमारा भी वही एजेंडा है कि जब हम एक कॉमन व्यक्ति को जिता के लाएंगे, आज जैसे आपने देखा, हर व्यक्ति अपने अपने बेटे को प्रमोट कर रहा है राजकारण में, है ना। उद्धव ठाकरे जी आदित्य जी को प्रमोट कर रहे हैं, राज ठाकरे जी अपने बेटे को, पर जो कई ऐसी ऐसे हीरे हैं कॉमन लोग, झोपड़पट्टी में भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो एक सबको चीर के आगे निकल सकते हैं और एक बहुत बढ़िया राज्य में काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के सर पे हाथ निकले के लिए रखने के लिए हम निकले हैं। अभी के लिए एक ही बात बोलूंगी, राजनीति में मुर्दों को कभी मारा नहीं जाता है, और ये घनेड़ापना मेरे को करना ही नहीं है, वो वक्तव्य मुझे करना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी पूरा वर्ल्ड घूमी हुई वुमन हूँ, एंड आई एम द बिजनेस वुमन ऑल्सो, एंड मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि आज UK का प्रधानमंत्री जो है वो हमारा इंडियन है। आज हमको हिंदू मुस्लिम में अटका के रखा जाता है, पर आज आप देखेंगे दुबई में जाके इंडियन लोगों के लिए ऐसा मंदिर बना है जहाँ पे 108 मूर्तियां रखी है और हमारे सारे शास्त्र हैं। तो हम किस जगत में जग रहे हैं? तो इसलिए हमको गड़े हुए मुर्दों पे राजनीति करनी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे मुद्दे हैं। मेरी जनता भूखी मर रही है, हॉस्पिटलों में कुछ भी सुविधा नहीं है गरीबों के लिए, शेतकरियों की आत्महत्या हो रही है, ढेर सारे मुद्दे, इसलिए मुझे मुर्दों पे राजनीति नहीं करनी। तो पर जिनके पास कुछ काम नहीं है, जिनको पब्लिक को गुमराह करना है, उनकी राजनीति उस पर चालू है, पर हमको उस पर नहीं करनी है, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं, मुझे समाजकरण करना है। गलत कार्रवाई तो बहुत लोगों के ऊपर हुई है, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा था, तो उस पर कोई क्या कहेगा? और मैं तो बोलती हूँ बोलना भी नहीं चाहिए, नियति यही सबको बताती है। मेरी गाड़ी में भी रिवॉल्वर रखी गई थी, पर किसी ने कुछ बोला था किसी ने? पूरे महाराष्ट्र ने देखा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। इतनी महिला नेता है, मैं नहीं मानती, ऐसे ऐसे मंत्रियों को तो निकाल ही देना चाहिए। मैं सही बता रही, कोई सा भी मंत्री हो, लड़ाई मतलब लड़ाई, अब्दुल सत्तार जी जैसे और संजय राठौर जी जैसे लोगों को मैं तो बोलती हूँ नहीं रखना चाहिए, पक्ष में भी नहीं रखना चाहिए, यही मेरा वो है। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला, जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसकी मेरे मुँह से तारीफ ही निकलेगी, और जो व्यक्ति गलत काम करेगा उसको मैं रोक ठोक उसका अपोज करने वाली हूँ।